एक बात याद रखो, अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो फिर चाहे वो कितने भी लोगों से मिले, उसकी फीलिंग्स आपके लिए नहीं बदलेंगी। सच्चा प्यार करने वालों को कोई चुरा नहीं सकता है। अगर कोई उनको चुरा के ले जाता है तो समझ लेना कि उनकी तरफ से कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। हाँ, दर्द होगा, लेकिन ऐसे इंसान के साथ रह के भी कोई फायदा नहीं है। एक बात बताओ, इस दुनिया में 7.5 बिलियन लोग हैं और आप एक दो की नेगेटिव बातों के कारण पीछे हट गए हो, अपने सपने छोड़ रहे हो, मायूस फील कर रहे हो। नहीं, आप इतने भी कमजोर नहीं हैं। उनकी बातों से डीमोटिवेट ना हो, बल्कि उनकी बातों को अपने नीचे एक आग लगाने दो और उसके बल पे आगे बढ़ो। आई थिंक लड़के लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि लड़कियां चाहती क्या हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद आपको लगता है कि उसको आपकी गाड़ी, आपके पैसे, आपके तोहफे चाहिए, बट सही लड़की के लिए ये सब प्रायोरिटी नहीं है। उसे तो आपका टाइम, आपकी स्माइल, आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत इस रिलेशनशिप के प्रति, और आपका उसे प्रायोरिटी बनाना चाहिए। अगर आप सच में लड़की का दिल जीतना चाहते हो तो इन चीजों पे ध्यान दो। बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस ये है कि आप किसी भी रिश्ते में ऐसा कोई भी काम ना करो जो आप नहीं चाहते हो कि दूसरा करे। अगर आप नहीं चाहते हो कि वो औरों के साथ फ्लर्ट करे, तो आप भी औरों के साथ फ्लर्ट मत करो। अगर आप नहीं चाहते हो कि वो आपसे झूठ बोले, तो आप भी झूठ मत बोलो। अगर आप नहीं चाहते हो कि वो आपको बदलने की कोशिश करे, तो आप उसको भी बदलने की कोशिश मत करो। ना जाने बिछड़ने के बाद लोग एक दूसरे को बदनाम क्यों करते हैं। बदनाम करने में बदनामी दोनों की होती है, एक की नहीं। और जहां किसी को उसकी औकात दिखाई जाए, वहां शायद कभी प्यार था ही नहीं। अगर आपने सच में उससे कभी प्यार किया था, तो उस प्यार की, उस रिश्ते की कदर, उसकी इज्जत करते हुए चुप रहो। एक बार रुको, किसी को भी जज करने से पहले एक बार रुको, कुछ भी अस्सुम करने से पहले एक बार रुको, किसी पे भी उंगली उठाने से पहले एक बार रुको। रुको जब भी आप हार्शली रिएक्ट करने वाले हो। अगर आप ऐसा करोगे तो शायद आप अवॉइड कर पाओगे कोई भी ऐसा काम करना या कोई भी ऐसी बात बोलनी जिससे आप किसी को हर्ट करोगे या जिससे आप बाद में रिग्रेट करोगे। पहली डेट पे जा रहे हो तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ तीन टिप्स जो फॉलो करना पहली डेट को सक्सेस बनाने के लिए। नंबर वन, टाइम पे पहुंचना जा भी पहुंचना है, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो पहला इम्प्रेशन अच्छा डालो, टाइम पे पहुंच गए। नंबर टू, अपने फोन को अपने पर्स के अंदर रखो, अपने पॉकेट के अंदर रखो। जिसके साथ आप हो उसको अपनी अटेंशन दो, उसको जाने की कोशिश करो। एंड नंबर थ्री, बी यू। अगर ये इंसान आपको डेट पे लेके जा रहा है तो ये आपको पसंद करता है, तो ये आपको जानना चाहता है,